आज आपके लिए लेके आया टाटा पंच का टॉप मॉडल कैसा है, AMT गियरबॉक्स, ऑटोमेटिक गारंटी है, तो आप लोगों को बताएंगे। बने रहे वीडियो में और एंजॉय कीजिए। कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जिसमें आपको फ्यूल इकोनॉमी बताता है, ट्रिप ए ट्रिप बी 11.2 एंड 11.3 की लास्ट अपना जो फ्यूल इकोनॉमी दे रहा है वो AMT गियरबॉक्स, जो कि ज़्यादातर सिटी में ही ड्राइव हुई है अपनी। एंड एक बार आप लोगों को थोड़ा सा ड्राइव करके बताते हैं कैसा है AMT गियरबॉक्स इसका। सो चलिए एंड ब्रेक डाउन करते हैं अपने ऑटो में। एंड चलिए इनिशियल पावर अच्छा है इसका AMT गियरबॉक्स का, काफ़ी इजीली उठ जाती है। एंड क्रिप फंक्शन की बात करें तो ये 10 की स्पीड तक बिना एक्सीलरेशन के चल देती है, एक्सीलेटर की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को देख सकते हो, आप लोग पूरा अभी एक्सीलेटर पे पैर नहीं रखा है। एंड अभी सिटी मोड में अपनी, इसमें एक और मोड है जो इको मोड, अभी अपने चलाएंगे इको मोड में, इको मोड में कैसा परफॉर्मेंस करती है वो देखते हैं एक बार। सो थोड़ा सा रोड पर ले लेते हैं पहले। एंड लेट्स वी गो। इनिशियल पिकअप थोड़ा सा अच्छा है, फर्स्ट सेकेंड गियर, ये आ गया अपना सेकेंड गियर, थर्ड, 30 की स्पीड में थर्ड गियर शिफ्ट कर लिया है इसने ऑटोमेटिकली अपना। आगे थोड़ा सा ट्रैफिक है, जैसे ही गियर चेंज करती है हल्का सा थोड़ा सा लैग लेती है, उसके बाद वापस पावर ले लेती है गाड़ी। जैसे अभी सेकंड में आ गई वापस, स्पीड स्लो होती सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कभी कभी, थोड़ा सा हल्का सा जर्क मारती है गाड़ी, लेकिन उसके बाद स्मूथली चल लेती है। अभी फर्स्ट में आ गई, जैसे थोड़ा सा हल्का सा जर्क ले रही है। आगे आ गया अपना सेकेंड, थोड़ा सा जर्क लेती है फर्स्ट, फर्स्ट में चल रही है। अपना आ गया सेकंड, एंड ये चेंज किया गियर थर्ड, हल्का सा लैग लेती है कुछ सेकंड्स का। आगे एक बार थर्ड गियर के बाद तो काफ़ी स्मूथ चलती है गाड़ी। ये अपना सिटी मोड में चल रही थी, तो किसी नहीं अपना ये जो है इको मोड है, यहाँ से अपने चेंज कर देते हैं सिटी मोड। सिटी मोड में थोड़ा सा आपका पावर का चेंज होता है, गियर थोड़ा सा गाड़ी लेट चेंज करती है। जैसे थ्री में अभी अपने 40-50 की स्पीड में आ गए, अभी भी थ्री में ही है वो, चेंज नहीं किया है इसने, अभी फोर्थ हुआ है, देख सकते हो आप पूरा अभी फोर्थ गियर में, और गाड़ी गियर डाउन अभी किया है जैसे। तो काफ़ी स्मूथ है AMT, अगर आराम से चलाओ तो काफ़ी स्मूथ है, बाकी आप ज़्यादा एक्सेलरेशन करोगे तो ये कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा गियर लेना है, कौन सा वापस डाउन करना है, थोड़ा सा गाड़ी कंफ्यूज होती है, बाकी ओवरऑल ठीक है। सिटी के लिए पर्पज़ के लिए ठीक है गाड़ी, हाईवे पे भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस तो अच्छा खासा है। हैंडलिंग वैंडलिंग की बात करें तो इसकी ठीक है, इतनी ख़राब नहीं है, काफ़ी ईजी हैंडलिंग है। देखिए अभी सेकेंड था, ये थर्ड लिया, हल्का सा लैग लिया गाड़ी ने। बाकी सिटी में आप लोगों को फ्यूल इकोनॉमी इसका मैक्सिमम 11-12 ही दे रही है, हाईवे पे लगभग 15-16 दे ही देगी ये। अभी कुछ टाइम से मैं चला रहा हूँ उसमें, ये 11-12 के बीच में दे रही है, जो अपना सिटी रनिंग है। अभी सेकंड गियर में जैसे आप दबाओगे थोड़ा सा लैग लेती है गाड़ी, कंफ्यूज हो जाती है। अभी गियर चेंज नहीं किया इसने, सेकंड गियर में ही ले रही है, जस्ट अभी चेंज किया, 2000 RPM पे गियर चेंज ले लेती है। स्मूथली चलाओगे तो गियर का इसमें ज़्यादा पता नहीं चलता है, लेकिन जैसे ही आप थ्रोटल डाउन करोगे थोड़ा सा भी तो कन्फ्यूज हो जाती है गाड़ी, कौन सा गियर में लेना है। अभी वापस फर्स्ट में आ गया जैसे, ये अभी थोड़ा सा ये जर्क ले रही है, फर्स्ट सेकंड में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है इसको।
अभी हुआ सेकंड, पे थोड़ा ट्रैफिक वाला रोड है सर, ज़्यादा चला नहीं पाएंगे, स्पीड 40-50 ठीक है। थर्ड जंप से जैसे ही निकलती है जर्क लेती है थोड़ा सा सेकंड फर्स्ट में, बाद में स्मूथ हो जाता है एमटी इसका। अभी जैसे सेकंड में पुल कर लेती है, अभी एक बार आप लोगों को थोड़ा सा इसका स्पीड बताते हैं। जैसे ये फर्स्ट गियर में अभी, तो अभी अपने करेंगे उसको थोड़ा सा पुश, हार्ड पुश करेंगे, 1 2 3 फर्स्ट गियर 5000 RPM पे चेंज किया, सेकंड गियर 4000, बस इतना ही करेंगे, अभी ज़्यादा नहीं करेंगे। सो गाइज ये था अपना टाटा पंच का थोड़ा सा, आप लोगों को बता दिया। बाकी अगर कुछ क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। बाकी ठीक है, ओवरऑल सिटी पर्पज़ के लिए अच्छी है, स्पेशियस है गाड़ी, माइलेज में ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं करने का, जो 11-12 है वो सिटी में आपको दे देगी, एंड हाईवे पे 15-16 के अराउंड तो देगी शायद मेरे हिसाब से, क्योंकि इतनी अभी मैंने हाईवे पे इसको नहीं चलाया है। बाकी एसी का परफॉर्मेंस अच्छा है, इसका पेट्रोल है काफ़ी जल्दी कूल कर लेती है एसी, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है इसमें। इसमें बाकी फीचर्स की बात करें तो क्रूज कंट्रोल दिया हुआ है इसमें, एंड इस तरफ आप लोगों को इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। ओनली टिल्ट का ऑप्शन है, टेलीस्कोपी इसमें आपको नहीं देखने को मिलता है। बाकी ओवरऑल व्यू अच्छा है, एर्गोनॉमिक वाइज गाड़ी ठीक है, स्पेशियस है, अच्छी है। एंड प्राइस की बात करें तो टॉप एंड वेरिएंट इसका लगभग आप लोगों को 11 से 12 लाख के बीच में मिलता है, जो कि बाकी सेगमेंट के हिसाब से अच्छा है इसमें आप लोगों को। सो गाइज अभी ये वीडियो को यहीं एंड करते हैं। सो गाइज कैसा लगा आज का अपना टाटा पंच का ब्लॉग, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें, एंड ऐसे ही आप लोगों के लिए अलग अलग गाड़ी का वीडियो लाते रहेंगे। अगर आप लोगों की कोई भी डिमांड हो गाड़ी की तो आप कमेंट कर दीजिए, उस गाड़ी का अपने ट्राई करेंगे, जितना हो सके उतना ट्राई करेंगे, अगर अपने को मिलेगी तो अपने और वीडियोज़ लाते रहेंगे। सो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।